लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मसीह में बढ़ना है, यानी कि परिपक्व होना। इसलिए पिछले हफ्ते मसीह में बढ़ने से रोकने वाली कुछ चीजों को मैंने 7 बातों को आपको बताई थी, जो हमें क्या करती हैं, मसीह में बढ़ने से क्या करती हैं, रोकती हैं। उसके बाद बढ़ने के लिए क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, हमारा समीपन होना चाहिए, कैसे हमें देखना चाहिए, वचन को हमें कैसे देखना चाहिए, वचन के आगे हमें कैसे समर्पित होना चाहिए, उसके संबंध में हमने पहले पद से पढ़ा था। पहला और दूसरा पद पर मैंने आपसे जिक्र की थी, मैं उसको फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं। यह लिखा हुआ है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरी आनंद की बात समझो। नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम पढ़ो उसे पूरी आनंद की बात समझो। तो ये समझने के लिए हम कुछ करना, इसलिए मैंने आपको उस बात पर आपके ध्यान को लाया था। वो ये कहता है बढ़ने के लिए, उसे न पढ़ने के लिए कुछ 7 बातों को मैंने आपके सामने रखा था। उसके बाद पढ़ने के लिए हमें जब वो आगे बढ़ना है इस बात पर, उसका अप्रोच समीपन परमेश्वर के वचन के प्रति बढ़ने के लिए अपने आप को कैसे रखता है, या को पहला कहता है हमने यहां ऐसे कहा, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह कहें क्या दास। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के क्या दास। मुझे इस बात का वो कह, परमेश्वर की मसीह यीशु के दास, या मैंने आपको बताया था अपने आप को जब परमेश्वर के सामने रखता है तो कैसे रखता है, वो कहता है ये कौन था, यीशु मसीह का भाई था, 4 जेम्स है, याकूब है, उसमें चौथा है, ये चौथा उसका भाई था, सखा भाई था, जो यीशु मसीह पर पुनरुत्थान से पहले तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। जब पुनरुत्थान हुआ अपने आप को याकूब के सामने, जब उसने प्रकट किया, उसने देखा, तब इसका विश्वास जो है बदल दिया और प्रभु यीशु मसीह पर अपने जीवन को सौंप दिया। He became a very strong विश्वासी बन गया। इसलिए मैंने आपसे कहा था यरूशलेम कलीसिया का ही वैसे पिल्लर, पॉल उसको कहता है जेम्स वैसे पिल्लर, तो चर्च ऑफ जेरूसलेम, वो वहां का आज के भाषा में बोलने से बिशप से भी ऊपर का था। He was very strong believer. ये व्यक्ति है जो यीशु मसीह के लिए अपने मार्टिर हो गया। ये याकूब जो ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के बाद यीशु मसीह कौन है, वो क्या है, वो अपने भाई का रिलेशन में उसने उसको वो कीप नहीं किया, उसको वहां ये नहीं बताया, वो यीशु मसीह को जानने के बाद जब तो अपने आप को सामने रखता है तो वो रखता है यीशु मसीह का दास, यानी दास का यह ऐसा एक बदुआ दास है। एक 3 प्रकार के दास रहते हैं, गुलाम में आते हैं उसे, एक अपने आप से बदुवाए होकर समर्पित होते हैं, दूसरा जन्म से बदुवाए होते हैं क्योंकि मां बाप का कमिटमेंट रहता है कि तेरे बच्चे भी यहां गुलाम बने, वो जन्म से गुलाम बना। तीसरा जो है जो अपने आप से नहीं, ये बनाए गए हैं, बना देते हैं। ये जो दास का यहां शब्द है, ये अपने आप को बनाया गया, बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
may not be by birth, may not be, you know, क्या बोलेंगे, किसी ने बताया, किसी कारण को बनना पड़ा, ऐसा नहीं, ये अपने आप को बनाता है, बंधुआ, praise God, hallelujah, what an introduction, I could say, मैं ऐसे कहूंगा, कितनी अच्छी उसकी इंट्रोडक्शन है, मसीह यीशु का, परमेश्वर का, वो बधा हुआ दास है, praise God, completely surrender to him, उसके surrender, उसकी इच्छा पर चलने पर, इस बात को मैंने clear किया था, फिर से मैं repeat कर रहा हूं, उसके बाद वो इस बात को कहने के बाद वो कहता है कि उन लोगों के लिए जो तितर बितर होकर क्या करते हैं, रहते हैं, सी वो अपनी पीढ़ियों को बैंक को चाहकर वो जोड़ता है, 12 जिले 12 गोत्र उसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करने के बाद तितर बितर होकर रहते हैं, यू गो बैक, जब यीशु परमेश्वर खुद ही जब इस्राएल का राजा था, उन्होंने डिमांड किया, नो वी वांट, हमें दूसरे अन्य जातियों के समान हमको भी राजा चाहिए, आपको मालूम है साउल को राजा बना दिया, ऐसे राजा के शासन में वो चलते गए, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, फिर जब आगे आते हैं राजाओं ने उन पर शासन किया, न्यायों ने उन पर शासन किया, ऐसे आते आते उसके बाद आप जानते हैं, जानते हैं इसराइल का राज्य जो है तितर बितर हो गए, होल द किंगडम वॉस हस्तित्व तो मिट गया, इसराइल का देश खो गया, घर खो गए, परिवार खो गया, तितर बितर हो गए, बच्चे पति पत्नी किसी का कोई ठिकाना नहीं, दुनिया के चारों तरफ जान बचाने के लिए वो चारों कोने में तितर बितर, कोई हस्तित्व तो नहीं रह गया, एंड दे आर रिजेक्टेड बाय देयर पीपल, उनके लोगों के द्वारा उनका तिरस्कार किया गया, देशों के लोगों के द्वारा तिरस्कार किया गया, उनको रहने का स्थान नहीं था, तितर बितर हो गए, एवरीवन स्कैटर्ड, ऐसे तितर बितर हो गए उस पर, जब ऐसे तितर बितर हो गए, आगे पढ़ते जाइए, उसके बाद जब इसराइल को ऐतिहासिक तौर से राज्य 47 में जब उनको मिली, जो तितर बितर हुए लोग हिस्टोरिकली वो एकत्रित होने लगे, जब एकत्रित होने लगे उसके बाद नए में आप आइए, तो जब विश्वासी लोग जो पहले शताब्दी के विश्वासी लोग अपोस्टल के जरिए जो प्रभु में आए थे एकत्रित होकर सारी चीजों को बेच बुझा कर एक साथ बैठकर प्रभु की उपासना करके उसकी पाठ जो रहे थे, यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ चलेगा, वहां हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर ने ऐसी सताव भेजा कि सताव भेजने के बाद ये क्या हो गए, तितर बितर हो गए, पूरे तितर बितर, इसी शब्द पर मैंने आपसे जिक्र किया, तितर बितर हो गए थे, पूरा कलीसिया टूट गई जहां ये तितर बितर होते चले गए, सो आपके ये शब्द में स्पिरिचुअलाइज करके या लिटरली मैं आपको ऐसे कह सकता हूं, हमारे अंदर भी कई बार परमेश्वर ये तितर बितर कर देता है, हमारा बना बुनाया काम बिगड़ जाता है, टूट जाता है, तितर बितर हो जाता है, मानसिक तौर से, पारिवारिक तौर से, आत्मिक तौर से, आपका घर आज तितर बितर है, मैंने पिछले बार में आपसे कहा था, इस बात पर संकेत करते हुए, देखिए आप अकेले विश्वास में है, आपका पति विश्वास में नहीं है, आपका भाई विश्वास में नहीं है, आपके बहन विश्वास में नहीं है, आप बिखरे हुए हैं, उसको बोलते हैं तितर बितर, आप चाहते हैं कि मेरा परिवार एक हो जाए और प्रभु में आगे बढ़े, एक साथ हम भरे में, काश मुझे ये अवसर मिलता कि मेरे पति मेरे पत्नी मेरे बच्चे एक साथ हम जाकर प्रभु की क्या करते हैं, लेकिन तितर बितर हो
गया, कोई विश्वास करता है, कोई विरोध करता है, कोई आपका खिलाफ बोलता है, ऐसी परिस्थिति तितर बितर हो गई। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये तितर बितर में भी परमेश्वर की खुशी हो जाए। आमीन। जो तितर बितर करता है वो ही जोड़ता भी है। प्रेज गॉड। हमको मसीह में बढ़ना है। याकूब का जो दृष्टिकोण है, एक तो आप और मुझको मसीह के लिए बदलाव होकर समर्पित करना है। प्रेज गॉड। दूसरा, तितर बितर होते हैं तो उसमें व्याकुल नहीं होना है, उसमें भी उसका परमेश्वर की योजना है। प्रेज गॉड। एक, आप अकेले विश्वास में है, आपको इस तितर बितर परिवार उधर है, भाई उधर है, बहन इधर है, बच्चे उधर है, पत्नी उधर है, पति इधर है, उधर है, इस प्रकार के है, इसमें अकेले है, आपको आपके विश्वास को वहां स्थापित करना है। स्थापित करना इस पर मना कर, इसलिए आप फिक्र मत करिए। दूसरी बात, परमेश्वर तितर बितर होने के बाद वो तितर बितर करने का कारण ये भी है कि उसमें परमेश्वर बीज बोना चाहता है। इसलिए कलीसिया, अब मैं आपसे पढ़ना चाहूंगी, आपसे आगे बढ़ू, आपसे पढ़ना चाहता हूं, पढ़िए प्रेरितों के काम, तितर बितर के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, 8:1-4 जल्दी से पढ़ लीजिए। बड़ा उपद्रव पत्र आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। यहूदिया और सामरिया में, सारे जगहों में क्या हो गए? तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। विलाप किया कलीसिया को उजाड़ना था और जो तितर बितर हो गए थे वो सुसमाचार सुनाते थे। इसलिए मैं आपके ध्यान को उधर ले जाना चाहता हूं, यानी से फोकस, आप परमेश्वर के प्रिय हैं, आप परमेश्वर के बहुत ही प्रिय हैं, वो आपको जानता है, आपकी स्थिति को जानता है, आपको आशीषित करना चाहता है। कोई समस्या आपकी जिंदगी में जो टुटाव आ गया है, जो गिरावट आ गई है, जो फाइनेंशियल परेशानियां आ गई है, सारी समस्या जब आपके जीवन में आई है, सहन से बाहर है, आपके दिल के अंदर कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु जी यूं मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं वहां भी परमेश्वर की इच्छा है। वो जो तितर बितर हुए थे वो क्या करते गए? सुसमाचार सुनाते गए। हालेलुया। आज का आपकी टूटी हुई अवस्था जो है, ब्रोकन जो स्थिति है, कल के लिए, आज जिसमें परीक्षा से हम गुजर रहे हैं, इट इज अ टेस्टिंग यू आर गोइंग थ्रू, बट आई वांट टू टेल यू, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जो टेस्टिंग आज का है, कल वो टेस्ट मनी में बदल जाए। द टेस्टिंग टुडे टुमारो विल बिकम अ टेस्ट। आमीन। तितर बितर यू ही नहीं हो रहा है, समस्या यू ही नहीं आ रही है, आज की जो टेस्टिंग है तुम्हारो टेस्ट बनेगा। इसलिए परमेश्वर जहां जहां गए वो सुसमाचार सुनाते गए और वहां कलीसिया की रोपण हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड।
कई जगहों में पौलुस जाकर कलीसिया के इस्तेमाल स्थापित नहीं किया, लेकिन जो विश्वासी तितर बितर हो गए थे वो जाते जाते वहां सुसमाचार का रूप हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज आपका बिजनेस हो, आपका परिवार हो, आपकी भौतिक बातों में पैसे के मामले में तितर बितर आप हो गए हैं, कष्ट में आप गुजर रहे हैं, आपको बड़ी सहज से बाहर हो रही है, घर टूटा हुआ लगता है, बिखरा हुआ लगता है, सब शून्य देखता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कल के लिए गवाही का काम। आमें, 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 आप कहोगे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए आपके और मेरे जिंदगी में ये परीक्षाओं से गुजरना हमें पड़ता है। तब मैंने तीसरा शब्द आपसे कहा था, जब परमेश्वर सीजता है, तितर करने का उसका मतलब जोतना है, जो बंजर है उसको खोदना है। जब खोदते हैं तो टूट जाता है, उसमें जब बिखर जाता है तब बोया जाता है, बीज बोया जाता है। परिश्रम बिना बंजर भूमि को बिना जोते बिना तितर बितर किए वहां बोया जा नहीं सकता। जब तक बी नहीं बोले जाता तो आपको तोड़कर आपको जोतकर उसके अंदर की जो भी चीजें निकालकर उसके बाद बीज बोया जाता है। बंजर में बीज बोने से उगता नहीं। जब तोड़ा जाता है जोता जाता है तभी वो बीज बोया जाता है। तो आप और मैं कई बार परमेश्वर जब हमें ऐसे स्थिति से गुजरता है इसलिए नहीं कि आपको नाकाम करें, आपको काम में लाए, प्रयोग हो, परमेश्वर की महिमा हो। आप अपने रियलाइज करें, समझें कि मेरी ये स्थिति क्यों है, फलवंत होने के लिए है। परमेश्वर तब फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद मैंने आपसे कहा, इस बात को बोलकर समाप्त किया था मैंने, कि फिर सींचा जाता है। जब सींचता है, अब पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं परिंदों के काम 11 का 19 दिन है, उसके बाद जर्मिया का जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं उसमें जाएंगे साथ। अभी पहला परिंदों के काम 11 का 19 से पढ़ेंगे। यह जल्दी से परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और यूनानी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था, प्रभु का हाथ उन पर था। एक बात सोचिए, देखिए, जब तितर बितर हो गए थे, घर छोड़ गए थे, सब मित्रों को छोड़ गए थे, परिवार भी तितर बितर हो गया था, लेकिन ये सुसमाचार सुनाने नहीं छोड़े। यहां लिखा है प्रभु का हाथ आप तितर बितर जरूर हो गए हैं, हो अभी आपकी स्थिति ऐसा हो सकती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपके साथ किसका हाथ है। कुछ मत हटना, तितर बितर होने के कारण, समस्या के कारण, आंसू के कारण, दुख के कारण, उपाय नहीं होने के कारण, रास्ता सब बंद होने के कारण, सब प्रतिकूल होने के कारण आप अपनी जिंदगी का अपने विश्वास से पीछे नहीं हटना। प्रार्थना पर मत करना, आपका प्यार जो परमेश्वर से है उस विलीनता में आगे बढ़ना, उस पर जड़ पकड़ते रहना। तब सिर्फ यहूदियों को बताने को छोड़कर वो लोग यूनानियों से बताने लगे, लेकिन बाइबल कहते हैं परमेश्वर का हाथ उनके साथ। किन के साथ था? जो तितर बितर हो गए। हालेलुया।
हालेलुया बोलने की तकलीफ हो रही है। हालेलुया जोर से बोले हालेलुया। उनके ऊपर किसका हाथ था? परमेश्वर पर होगा। और आगे उसी तरह और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। किसके जरिए? तितर बितर हुए लोगों के जरिए। प्रेज़ लॉर्ड। आमेन आमेन आमेन। दुख में परमेश्वर, तितर बितर में परमेश्वर कुछ काम करता है। इसलिए कभी हम पीछे मत आ। अब मैं आपसे को पढ़ना यरमिया नबी का किताब 31 आ जाएगी वापस का साथ से। प्रतिमा का 7-14 तक पढ़ना है। क्योंकि यहोवा यूं कहता है याकूब के कारण आनंद से जयजयकार करो। आनंद के कारण क्या करो? जयजयकार करो। जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो। उसके लिए स्तुति करो और कहो हे यहोवा अपनी प्रजा इज़राइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। कौन? देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा। उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा। इकट्ठे करूंगा। प्रेज़ गॉड। टिकर बिकर हो गया है। अब परमेश्वर कहता है मैं क्या करूंगा? पृथ्वी के कोने कोने से क्या करूंगा? एकत्रित करेगा। आज बिखरा हुआ लगता है, कुछ बना हुआ नहीं लगता है। आज आपको लगता है कि टूट गया है, संभल नहीं रहा है, बड़ी परेशानी से मैं गुजर रही हूं, गुजर रहा हूं। आज आपको बड़े दुखी लगता है अपने आप को देखकर, आपके परिवार को देखकर, लेकिन हिम्मत मत छोड़िए। जिसने तितर बितर किया है वो कहता है चारों कोने से मैं एकत्रित करूंगा। हालेलुया। और आगे बढ़िए उसके बाद आएंगे। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी में आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। Praise God. Praise the Lord. Amen. और मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एप्रेम मेरा जेठा है। Praise God. Praise the Lord. आमें। आमें। इस्राएल मेरा क्या है? इस्राएल का पिता। आप इस्राएल है। यह याकूब वो 12 गोत्रों को और इन चेलों को कनेक्ट करने का कारण ये है। तो अपना रिलेशन, अपना संबंध बताना चाहता है। आपका संबंध परमेश्वर के साथ क्या है? He is your father. मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप सोचते हैं कि मेरी स्थिति बिगड़ी हुई है, सुधार नहीं आ रहा है और बन नहीं रहा है, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ आज आपसे आपका पिता बात कर रहा है। He is your father. मैं इस्राएल का पिता हूँ। Praise God. क्या आपको मालूम है आपके पिता आपकी स्थिति को जानता है? हालेलुया। आपके दुख को जानता है। आप अकेली हैं प्रभु जानता है, अकेले हो आप जानते हो, सपने छोड़ दिया है आपका पिता जानता है। हालेलुया। हालेलुया। वो जानता है बहुत करीब से आपके पास कितना कर्ज है वो जानता है, कितनी आपको जरूरत है वो जानता है। हालेलुया। कब आपके लिए दरवाजा खोलना है वो जानता है, कब आपके लिए मार्ग को तैयार करना है वो जानता है, कब आपको असंभव को संभव करना है वो जानता है, क्योंकि वो आपका पिता है। Have you seen ever your God as your father?
क्या कभी आपने इस तरीके से देखा? ही इज योर फादर। हालेलुया। मैं अपने जीवन में कई बार मेरे आंसुओं को पोंछने का कारण तब बनता है जब आई सी माय गॉड इज माय फादर। ही नोस मी। वो जानता है मेरी स्थिति को, जानता है मेरी समस्या को, जानता है। इसलिए परमेश्वर के 12 पद को पढ़े उसे क्या क्या लिखा है। इसलिए सियोन की चोटी पर आकर जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख, मधु, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दाख पाने के लिए तांडा बांधकर चलेंगे। और उनका प्राण किसी व्यापारी के समान, उनका प्राण, ये सब मैं आपको सुनाऊंगा, उनका प्राण और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा। लिखा है उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा। हम एक गीत गाते हैं, उसने सींचा अपने लहू से। हालेलुया। जिसमें बी बोया जाता है उसको परमेश्वर वो बारी में परमेश्वर क्या करता है, सींचता है। जब सींचने के बाद वो कभी क्या नहीं होगा, दुखित नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, पता नहीं आप लोग कितने से इस वचन को समझ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यदि आप बारी के समान हैं, कोई उम्मीद नहीं है आपके जीवन में, सब सूखा और इम्पॉसिबल आपको देखता है, ड्राई पर आपको लगता है, मैं आपको कहना चाहता हूं इसको तितर बितर करने के बाद आपकी बारी में परमेश्वर वो अपने तरीके से सींचना चाहता है। सींचने के बाद मैं आपसे ये बात को याद दिलाना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपको सींचने के बाद, ये सींचता है ना, तब क्या होता है, मैं तीन बातों में हिलाना चाहता हूं आज, तीन। सींचने के बाद ये बढ़ता है, नंबर 3 फूलता है, नंबर 4 फलता है। ये सींचने के बाद यहां ये क्या होता है, बढ़ता है। एंड ये परमेश्वर का, तो बढ़ने के लिए मैं दूती कुछ वचन आपके सामने रखू जल्दी से पढ़े। परमेश्वर आपको मुझको सींचना चाहता है। कैसे परमेश्वर सींचना चाहता है, आप मेरे साथ बाइबल ले लो वापिस आए याकूब की पत्री पर। पहली बात 19 पद में हम पढ़ते, इसे अध्याय में हम देखते हैं कुछ बढ़ने की कुछ बात है, उसमें दो दो पहलू देखे, नेगेटिविटी देखे। नहीं बढ़ने की बात भी मैंने कुछ बता दिया आपसे, नहीं बढ़ने का कारण क्या है। अब बढ़ने के लिए आप यहां परमेश्वर आपको सींचने के बाद बढ़ाना चाहता है, क्या करना चाहता है, नंबर 1 सुनने के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको और मुझको परमेश्वर के सत्यता को, उसके जीवित वचन को जो अटल है, जो कभी हटता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, जो अटल रहता है, जिसमें जीवन है, जिसमें आपके और मेरे जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है या अद्भुत काम कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जीवित है, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। नंबर 1 आपको पढ़ना चाहते हैं आप पर मैं यूं ही नहीं पढ़ सकते, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े नहीं हो, लेकिन हरेक सुनने में क्या हो जाए,
तत्पर हो जाए, लालायित हो जाए, विलीन हो जाए, प्रेज गॉड। किसके लिए? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तू क्या हो जाए? तत्पर हो जाए, प्रेज गॉड। आमीन, आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं होना, एक भाई को सब वहां जाकर शक्कर और गुड़ लेके आने पे, दोनों लेके आने। कोई लोग शक्कर खाते हैं, पहले गुड़ खाते, जैसे मेरे को गुड़ पसंद है, तो गुड़ लेके आने के लिए मैंने को भेजा। जी हाँ बोला, दौड़ के चला गया। दौड़ के जाने के दुकान पर खड़े होने के बाद कहता है क्या चाहिए? उसने पूछा, भूल गया क्या हो गया? फिर दौड़ के आना है, क्या लेना है आंटी? अरे भाई शक्कर लिया और गुड़ लिया। हाँ दूसरी बार जाकर फिर ऐसा ना हो। दौड़ तो रहे हैं, चर्च में भी दौड़ रहे हैं, इधर भी प्रार्थना में भी दौड़ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं क्या सुन रहे हैं, क्या है कुछ भी मालूम नहीं। सुनने में तत्पर, प्रेज गॉड। ये वचन है जो आपके और मेरे जिंदगी को बदल सकता है, प्रेज गॉड। ये वचन है जो आपको जीवन दे सकता है, ये वचन है जो आपको अगर गिरी हुई स्थिति है आपको उठा सकता है, हालेलुया। ये वचन है जो आपको चंगा कर सकता है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है मैं वचन को भेजकर तुझे चंगा करूंगा, तो ये वचन में जीवन है, इसलिए सुनने के लिए तत्पर हो जाना, प्रेज गॉड। Hallelujah! 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 Let this word in your heart. आपके हृदय में ये वचन अधिकाई से सुनने के लिए तत्पर हो जाए। Praise God. उसके बाद दूसरी बात अपने 21 पद में हम पढ़ते हैं, नम्रता के साथ क्या करें? उसे ग्रहण करें। Praise God. 21 पद में हम पढ़ते हैं, सेकंड थिंग, हम इस वचन को जो है नम्रता के साथ। मेरे भाई और बहनों, आपकी बुद्धि होगी, यू आर ए वेल लर्न पर्सन, आप वेल एजुकेटेड पर्सन है, आपके पास अच्छी डिग्री है, अच्छा तजुर्बा है, आप सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, यू नो एवरी लैंग्वेज, हर एक भाषा आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, इट इज गुड। बट आपको परमेश्वर के वचन के आगे चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितने बड़े क्यों ना हो, कितने छोटे क्यों ना हो, आपको और मुझे ये समझना चाहिए परमेश्वर के वचन के आगे नम्र होकर ग्रहण करना। हालेलुया। नम्रता के साथ उस वचन को तत्पर हो सुनने के लिए, नम्रता के साथ उसे ग्रहण करें। Praise God. ये वचन ही हमें क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया। सीजने के बाद वो बढ़ता है। बढ़ना है तो कैसे हो सकता है? नंबर वन, शीघ्र से कैसे? तत्पर सुनने के लिए तत्पर। हम लोग कई बार उल्टे हैं, बोलने के लिए तत्पर है, सुनने के लिए हैं? दोष लगाना है, उंगली दिखाना है, बहुत तत्पर रहते हैं, सुनने के लिए है। अरे सुन तो लो, किसी की कंप्लेंट है तो सुन तो लो, प्रेज गॉड। आमीन। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन कहता है नम्रता के साथ ग्रहण कर लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात यहां क्या कहता है? जी हां, यहां लेकर तीसरी बात क्या है? वचन पर चलने वाले, 22 पद में लिखा है, वचन पर क्या करो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को सुनने के लिए तत्पर, नम्रता के साथ ग्रहण करना, उसके बाद वचन पर क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें शिक्षा देती है, ना दाएं मोड़ ना नम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन पर चलने वाले बने, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम वचन पर चलते हैं तब हमारी परिपक्वता आती है, तब हमारी बढ़ोतरी आती है। हालेलुया,
जहां वचन को हम उल्लंघन करते हैं, यदि ये परमेश्वर का वचन आपके लिए मार्ग दर्शक नहीं है, मेरे लिए मार्ग दर्शक नहीं है, मेरे लिए दंड जो है परमेश्वर का वचन यदि नहीं है, यदि मेरी बोलने के लिए, मेरे चलने के लिए, मेरी सोचने के लिए, मेरी दिनचर्या के लिए ये मुझे नापदंड नहीं है, तो मैं पढ़ नहीं सकता, मैं बढ़ नहीं सकता, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। जिंदगी मेरी गुजर जाएगी, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, मेरे जीवन में सुधार नहीं आएगा, मैं मसीह में बढ़ नहीं पाऊंगी, हालांकि मैं सब कुछ जानता हूं, जानती हूं सब कुछ होगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी आराम की बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन को नापने के लिए उस नापदंड उसको नहीं बनाया। हालेलुया, हालेलुया। बहन ऐसा वो झूठ क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती, क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों ऐसा नहीं करती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे अनुमति नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों घूस नहीं लेती, क्यों घूस नहीं लेता, क्या कारण है ऐसा करने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे क्या करता है, मना करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात आपके और मेरे जिंदगी में आना चाहिए। प्रेज गॉड। सो भूलना मत, कैसे हम पढ़ सकते हैं, सुनने में तत्पर। प्रेज गॉड। नम्रता के साथ ग्रहण करना। तीसरी बात, इस वचन पर चलने वाले। चौथी बात, उसी पर हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है 25 पद को पढ़ोगे, व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था पर क्या करता है, ध्यान करते रहता है। क्यों करता है, कहीं मेरे से परमेश्वर का वचन का उल्लंघन ना हो, मेरे मुंह से गलत बात ना निकले, मेरी जिंदगी उस ट्रैक से, उस लाइन से जिससे चलना है उससे मैं भटक ना जाऊं। हालेलुया, मेरी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की निंदा ना हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां भी व्यवस्था की बात करता है, वचन की बात करता है। ये आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए मेरे लिए व्यवस्था है जिस पर हमें चलना है। प्रेज गॉड, आमीन। इसलिए जो 25 पद में हम पढ़ते हैं वो क्या करता है, ध्यान करता रहता है। हालेलुया, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसके दिल में, दिल में, दिमाग में, तन में, मन में परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, वो उस पर ध्यान करता है, पाकूर करता है। प्रेज गॉड, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब ये बात आपके जीवन में, मेरे जीवन में आती है, तब हम क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। भूलिए मत, नंबर वन, सुनने के लिए तत्पर। नंबर टू, भजन को नम्रता से ग्रहण करना। नंबर थ्री, उस पर चलने वाले बनना है। नंबर फोर, व्यवस्था पर क्या करता है, ध्यान करता है। प्रेज गॉड। हमारी भाषा में हम बोलते हैं, वो भाई वो बहन बड़े भूख के चलता है। प्रेज गॉड, आमीन, आमीन, हालेलुया। समाज में हो, गांव में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर वालों के, परिवार वालों के बीच में हो, गांव के बीच में हो, शहर के बीच में हो,
हमारे ऊपर के हो, नीचे के हो, इष्टदारों के बीच में हो, आपको और मुझको जब सत्यता की ज्योति आपके दिल के अंदर जल गई है, आपके दिल के अंदर ये मालूम हो गया है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मानव जाति के उद्धार के लिए, पाप की क्षमा के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, रोगी की चंगाई के लिए, दिल की शांति के लिए, आनंद जीवन के लिए एक ही मार्ग है, वो यीशु का मार्ग है। ये होने के बाद आपका और मेरा फर्ज बनता है भूख के चलना है। हालेलुया। कहीं ऐसा मत होना ये त्योहार आए तो वही नाचने लग गए, ये शादी आ गए वही नाचने लग गए, वहां ये पूजा आ गया वही नाचने लग गए। हेलो, इधर भी हेलो, सब लोग चुप रह गए, क्या बात है? लगता है मैं दिल की बात बोल रहा हूं, ऐसे नहीं होना। प्रेज गॉड। आमीन, आमीन, आमीन। मैं चाहता हूं कि आप याद करें बढ़ने के कुछ नाम तक है। प्रेज गॉड। हम यूं ही नहीं बढ़ते हैं, ये वचन है जो हमें क्या करता है, बढ़ाता है। प्रेज गॉड। बताऊंगा, बड़ी डेंजर है उनका। ऐसा है कि अगर तुम्हारा विवेक दोष नहीं देता तो तुम कुछ भी कर सकते हो। विवेक दोष नहीं देता तो कुछ भी, इट इज वेरी डेंजर। मेरे प्रियो, मुझे सबसे बड़ा दुख यह है, मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था, ऐसा लोग सिखाने लगे हैं क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर का वचन है, नापदंड जिससे हमें चलना है। परमेश्वर हमें इस बात पर संकेत देता है, इस पर हमें दृढ़ रहना है। इसके बाद मैं कह रहा हूं, वो क्या करता है, व्यवस्था पर क्या करता है, ध्यान करता रहता है। वहां खत्म नहीं होता, उसी में आगे बढ़िए। उसी वचन में लिखा है, सुनकर वो क्या नहीं करता, भूलता नहीं। प्रेज़ गॉड। क्या सुनकर वो भूलता नहीं? भूलने की आदत आपकी है, भूलने की आदत मेरी भी है। लेकिन यहां कौन थी, हमें ये कोशिश करना है, यहां से जाते वक्त जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपको कुछ तो आपको भूलना नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मैं कुछ साल पहले, मेरे ख्याल में 92 है कि 2000 मैं कुवैत में गया था। मुझे कोई जान पहचान नहीं थी, एक ही बेटी थी जो बीना है, उसके परिवार के साथ, उसके हस्बैंड रोनी, और इन्होंने मुझे बोला, अंकल मेरे को अभी नौकरी नहीं मिली है, तो आप उधर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो जाते वक्त यहाँ उतर जाओ, मैं वीसा भेजती। मैं वहां चला गया। वहां जाने के बाद 21 दिन में वहां था, तो वो उस समय मर्दोमा चर्च में जाते थे। मेरे को बोले, अंकल आप मालूम है आप हमारे मर्दोमा चर्च में नहीं आओगे, ऐसा नहीं है नहीं आना, ऐसा नहीं, लेकिन यहां अपना चर्च है, मुझे नहीं पहचाने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपना चर्च है, मैं वहां जाऊंगा, तुम लोग मेरे लिए फिक्र मत करो, आप लोग मेरे को वहां छोड़ दो। वहां बहुत सारे भाषाओं में 40 कमरे हैं, बड़ा छोटा, छोटा कमरा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे 40 कमरे हैं। और अच्छी बात यह है कि 24 घंटा वहां कोई ना कोई भाषा में आराधना होती रहती है। तो मुझे सुनकर बड़े आनंद वाला, बहुत अच्छी बात है, मुझे कहीं कोई बुलाता भी नहीं, कहीं मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि कोई मुझे पहचानते नहीं है। तो अच्छा यह है कि मैं आज कम से कम 5-6 आराधना अटेंड,
यहां छोड़ो, शाम को जब मैं कॉल करूंगा तब बना, तो मेरे को वहां छोड़ दी। तो अपने चर्च में गए, मैं अपने चर्च में। जब ऐसे करते 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 मैं पहला अंग्रेजी अटेंड किया, उसके बाद उर्दू अटेंड किया, उसके बाद पंजाबी अटेंड किया, उसके बाद मराठी अटेंड किया, उसके बाद गुजराती अटेंड किया, उसके बाद फिर हिंदी अटेंड करने जा रहा था। हिंदी से पहले ही मेरे को लगा कि हिंदी के लिए अभी आधा घंटा और है, इतने मैं तमिल चर्च अटेंड करता हूं। मैं तमिल चर्च वहां, जब तमिल चर्च में अटेंड कर रहा था तो मैं उसको पास वहां भाई लोग कुर्सी डाल रहे थे, मैं भी उनके साथ कुर्सी डालने लग गया। कुर्सी लगाते लगाते एक ने पूछा, आर यू अ पास्टर? मैं बोला हाँ पास्टर। कहां से हो? भारत से। मैं बोला हाँ भारत से। क्या तुम बोल सकते हो 10-20 मिनट? 10 मिनट की 20 मिनट? बोला 10 मिनट बोलो। अच्छा 10-15 मिनट बोलो। मैं ठीक है, मैं 10 भी और 15 भी बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 15 मिनट। उन्होंने सोचा कि मैं 10 भी और 15 भी मिला के बोल दूंगा तो टाइम बड़ा ना बोलता। मैं आपका पास्टर कहाँ है? वो इंडिया गए हैं, हमारे एक दूसरे अंकल हैं जो आज बोलना था, उनको जरूरी काम पड़ गया, इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा बड़ा एक स्थान को होल्ड करते हैं, तो इसलिए वो ऐसे व्यक्ति थे, इंजीनियर थे, जो वहां जितने भी ऑयल निकालने की कंपनी है उन कंपनी का एग्जाम्पल जो है इनके पास आता। ये टेस्ट करके जो कितना परसेंटेज है साइन करेंगे तब बिकता है। एक ऊपर नीचे करने से इनको करोड़ों करोड़ों मिलती है। 1% ऊपर कर दिए तो भी करोड़ों मिल सकता है, नीचे करने से घाटा हो सकता है। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं, बड़े ईमानदार हैं। उनकी ईमानदारी के कारण सारे वहां के लोग उनको सलाम करते हैं। He never sold himself for money. अपने पैसे के लिए कभी उन्होंने अपने आप को नहीं बेचा। तो मैं बोला 15 मिनट मेरे को दिए थे, मैंने 5 मिनट मेरी गवाही बताई, 10 मिनट मैं परमेश्वर के वचन को बोला। उसके बाद मेरे को एक पर्ची दिए और 25 मिनट आप ले सकते हैं, पूरा समय हमारा उतना है। तो फिर मैं और 25 मिनट बोला। बोलने के बाद परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला। मेरे पास 16 दिन थे, 16 दिन हर दिन 2 या 3 मीटिंग रोज मेरे को बोलना था। ये अंकल जिनको बोलना था, मैं बोल रहा था तो ये पीछे आके बैठे, उन्होंने सुना मेरी कुछ दवाई, सुना कुछ वचन को सुना। सुनने के बाद उनको बताने क्या लगा, अच्छा लगा। तो उसके बाद वही मेरे लिए पूरा इंतजाम कर दिया। तो बोले जेम्स, उसी समय उनका एक लड़का खड़ा था ऐसे, इससे भी छोटा एक प्रिंटर था, उनका सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के कौन है वो लेके घूमता था। पहली बार मैं एक प्रिंटर पहली बार देखा था, आज से सोचिए 2000 में, छोटा सा प्रिंटर। उसने वहीं बैठ के, कैन यू हैव ए टी विद मी? बिल्कुल, मैं चाय पिया उनके साथ। इतने में उन्होंने मतलब शाम को बुला के उसी समय 16 दिन का पूरा प्रोग्राम कर दिए। उसके बाद यहां से जब मैं न्यूयॉर्क में गया तो उनकी बेटी क्वाइट एयरबेस की मैनेजर थी उस समय, तो उनको भी बुलाकर खबर दिए, तो मेरे लिए रास्ता खुल गया। मतलब कई जगह में मेरा कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होते हैं, कई चीजें परमेश्वर असंभव को क्या करता है, संभव करता है, कनेक्ट बनाता है, रास्ता परमेश्वर क्या करता है, खोलता है। मैं कभी उनको नहीं जानता था, मेरा कोई संबंध उनके साथ कभी भी देखा नहीं था, सिर्फ 1-10 मिनट की बात में हमारे खुदा ने हमें मिलाया। आज पता नहीं प्रभु में है कि सो गए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी अपनी जिंदगी के समस्या के कारण, निराशा के कारण भटकना नहीं है, उसमें बने रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए,
यहां हमने पढ़ा क्या, वो क्या करता है, ध्यान करता रहता है। प्रेज़ गॉड, आमीन, आमीन। तब आप क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये भूलता नहीं, हमने देखा ध्यान करता रहता है वो भूलता, और सुनकर वो क्या नहीं करता है, भूलता नहीं। उसके बाद नीचे लिखा है और वो वैसे ही काम करता है। प्रेज़ गॉड, हेलो। मैं कहूंगा वहां लिखा हुआ है और वो वैसे ही काम करता है। प्रेज़ गॉड, आमीन, हालेलुया। कैसा काम, मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को पढ़ दें। यदि कोई अपने आप पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है, पर वैसे ही काम करता है। आमीन, आमीन। बोलने में तकलीफ हो रही है, पीछे वाले सो रहे लग रहा है। आमीन, वो भूलता नहीं है और वैसे ही क्या करता है, उससे पहले का शब्द जो जोर देता है ना, वो उसके लिए इसलिए आशीष पाएगा। किसलिए, भूलता नहीं है इसलिए वो वैसे ही। आमीन, आमीन। आप आशीष पाना चाहते हैं, प्रेज़ गॉड। आप यदि आशीष पाना चाहते हैं, यहां लिखा है वो भूलता नहीं है और वैसे ही करता है। आखिरी सातवीं बात मैं आपको, जैसे आपको याद दिलाकर मैं समाप्त करूं, अपने आप को संसार, 27 पद में लिखा है, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। प्रेज़ गॉड, Hallelujah. 27 words. अपने आप को संसार से कैसे रखें, निष्कलंक रखें। Praise God. बलवा दास बना देता है, तितर बितर करता है। Praise God. Hallelujah. वो पीने के लिए, बीच बोने के लिए है। Praise God. तितर बितर आपके अंदर कुछ अच्छाई को बोने के लिए है, आपके लिए अच्छा करने के लिए है। Praise God. आपको वियोगी बनाने के लिए है, आप में फलवंत बनाने के लिए है, इसलिए वो ऐसा करता है। वो तितर बितर करते गए, जहां जहां गए वो बीज बोते गए, कलीसिया बनती गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो सीखता है, अब सीखने के बाद वो बढ़ता है। प्रेज़ गॉड। वो बंजर भूमि को सींचने के कारण कभी वो निराश नहीं हो, उसका प्राण कभी निराश नहीं होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए उसको किसकी जरूरत है, हमने यहां पढ़ा, अब सींचने वाली भूमि जो है बढ़ती है, भूमि जो है बढ़ती है, बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है। नंबर वन, भूलना होता, कैसे हम बढ़ सकते हैं, नंबर वन सुनने में तत्पर, नंबर टू वचन को कैसे ग्रहण करें, नम्रता से ग्रहण करें, नंबर थ्री उस वचन पर चलने वाले, नंबर फोर आप भूल गए, व्यवस्था पर वो ध्यान, उसका दिल दिमाग जो है ध्यान, परमेश्वर के वचन के ध्यान में भरा हुआ है। नंबर फाइव सुनकर वो क्या करता नहीं करता, भूलता नहीं है। नंबर सिक्स वैसे ही काम करता है। नंबर सेवन अपने आप को संसार से निष्कलंक। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आप बढ़ना चाहते हैं, दिस इज द, ये याकूब आपके सामने मेरे सामने बढ़ने की नामदंड रखता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने आप को किसमें नहीं फंसाता है, निष्कलंक रखें। प्रेज गॉड,
इस बुरी संसार से अपने आप को कैसे रखे? निष्कलंक रखे। हालेलुया। ये चीज है जो आपको और मुझको मसीह में क्या करता है, क्या करता है, बढ़ाता है। आज क्या आप प्रार्थना करोगे? मसीह में यदि आप बढ़ना चाहते हैं, मेरा प्रभु आपको मुझको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। संसार से आपको और मुझको निष्कलंक रखना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी और मेरी बढ़ोतरी को देखकर, परिपक्वता को देखकर, मैच्योरिटी को देखकर आनंदित होता है। वो इसराइल का पिता है, वो आपका पिता है, आप उसके संतान हैं, मैं आपका संतान हूं। वो यीशु के संतान होने के नाते आप संतान हैं, मैं संतान हूं उसका। इसलिए वो अपनी नजर हमारे ऊपर रखता है, बढ़ते हुए देखना चाहता है। क्या अपनी आंखों को बंद करोगे? इस वचन के आगे अपने आप को सौंपोगे? हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. अपनी आंखों को बंद करें, आज खुदा से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं बढ़ना चाहती हूँ, प्रभु जी मैं बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनकर भूलने वाले में ना बनो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे समझ को खोल पिताजी, हमारे हृदय को खोल प्यारे यीशु। हालेलुया। उन चीजों को हम अपनी जिंदगी से बढ़ने से जो रोकती हैं, उनको हम निकाल सके प्यारे यीशु। हालेलुया। जो बढ़ने के लिए हमारी जिंदगी में कामयाब होने के लिए पिताजी, मसीह में बढ़ने के लिए जो लाभदायक है, उनको अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए आज हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रभु जी खोल दीजिए प्यारे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सब मिलकर अपने आप को सौंप कर इस वचन के आगे दिल से कहिए, मेरे कहने से नहीं, आप अपने दिल से कि आपको लगता है कि ये सत्य है, ये कटु सत्य है, मुझे उसके वचन में, मसीह में मुझे पढ़ना है, इस वचन के आधार पर मुझ पर दया कर प्रभु जी। क्या आप दिल के अंदर से आपकी आवाज को निकलेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सामने खड़े हो जाए, अपने सिरों को झुकाए, दो मिनट अपने हाथों को उठाकर, हृदय को खोलकर, आंखों को बंद करके आपके दिल के अंदर से सच्ची प्रार्थना बाहर निकलने पाए, स्वर्ग पर पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई साल बीत गए, हालेलुया, कई साल बीत गए प्रभु जी, कई महीने बीत गए प्यारे यीशु, हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं जा रही है, हम अपने सिर नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने सिर नहीं हो पा रहे हैं पिताजी। कुछ वजह है, कुछ कारण है, उन कारणों को हम अपने दिल से, दिमाग से, तन से, मन से दूर कर सके और आपके वचन को हालेलुया तत्पर ग्रहण करने वाले, सुनने में तत्पर होने वाले बने पिताजी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन को ग्रहण करने वाले बने पिताजी, तेरे नाम की स्तुति हो। व्यवस्था पर ध्यान देने वाले बने प्यारे यीशु, दया कर, दया कर। इनके हाथों को आपने देखा है, इनके हृदय को आपने देखा है पिताजी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चे दिल की पुकार को सुनने वाला, सच्चे दिल के पुकार को हालेलुया ग्रहण करने वाला परमेश्वर, अपनी महिमा प्रकट कर, अपनी महिमा प्रकट कर प्रभु जी। हालेलुया। ओ जीसस, दया कर पिताजी, जिनकी समस्या, जिनकी बातें हालेलुया जो असंभव लगती है, उन पर जयवंत होने की शक्ति सामर्थ अपनी वचन के द्वारा आज सुने के समय अनेक दिल में आप प्रदान कर प्रभु जी। ओ रुबा लबा शकल, रुबा लबा शकल बिनी
हालेलुया हालेलुया तेरे नाम की स्तुति हो। पिताजी आप जानते हैं आप हमारे पिता हैं। हालेलुया हमारी फटती हुई स्थिति को देखना नहीं चाहते हैं, हमारी बढ़ती हुई स्थिति को देखना चाहते हैं। हालेलुया हमें बढ़ने के लिए आज आपकी अभिषेक की जरूरत है पिताजी, आज हमें आपके वचन की जरूरत है पिताजी, आज आपकी अभिषेक की जरूरत है प्यारे यीशु। हालेलुया 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 ब्लड ऑफ जीसस ब्लड ऑफ जीसस यीशु की लहू की जय हो, यीशु की लहू की जय हो, यीशु की लहू की जय हो पिताजी। हालेलुया 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 ओ जीसस ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। प्रार्थना में जाओ अपने आप को सौंप दे इस वचन के आगे, अपने आप को सौंप दे प्रार्थना में, अपने आप को सौंप दे। हालेलुया रीडेडिकेट करें प्रभु जी मैं अपने आप को सौंप दे, अपने आप को सौंप दे मुझ पर अनुग्रह कर, क्या आप दिल के अंदर से प्राप्त कर। थैंक यू जीसस आपके दिल की पुकार को मेरा परमेश्वर सुनता है और आप पर अपने अनुग्रह को देगा। हालेलुया हालेलुया रूबाला का शांति हो रखा सदल हालेलुया हालेलुया। पिताजी भाई बहनों पर दया कर पिताजी, एक एक जवान बेटे बेटियों पर तरस खा पिताजी, एक एक परिवार पर तरस खा पिताजी, एक एक भाई बहनों पर तरस खा पिताजी। कोई भी घटने वाले नहीं वो बढ़ने वाले बने पिताजी, आप में बढ़ के जाने वाले बने प्यारे यीशु। हालेलुया हालेलुया आज का वचन पिताजी हम सबके लिए पिताजी बढ़ोतरी का कारण बने पिताजी, आप में फिर और स्थिर होने का कारण बने प्यारे यीशु, फल लेने का कारण बने प्यारे यीशु, फूलने का फल लेने का कारण बने। हालेलुया 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 वो फिर से कभी दुखित नहीं होंगे, आनंदित होंगे पिताजी। हालेलुया 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 एक एक पर आप अपने आशीष को उड़ेल दीजिए पिताजी, अपनी महिमा को प्रकट कर, तेरे प्रिय लोगों को प्रदेश को आपके हाथ में सौंप दया कर पिताजी। हर एक जन आप में बढ़ने वाले बने पिताजी, आपकी महिमा करने वाले बने प्यारे यीशु, उसके लिए हर एक तैयार हो आशीष सीख कर प्यारे यीशु, जिससे आपको महिमा मिलने पा तेरे नाम की स्तुति तेरे हाथ में सौंप यीशु के नाम में आशीष। स्वर्गीय पिताजी हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते प्रभु आपने पिताजी अपने दास को इस्तेमाल किया प्यारे प्रभु, आत्मिक जीवन में एक और कदम आगे बढ़ने के लिए आपने हमें सहायता किया, धन्यवाद देते प्रभु। हम आगे बढ़ते बढ़ते जाए प्रभु, आपकी वचन में आगे बढ़े प्रभु, हम सींचे जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते पिताजी। हालेलुया आपके वचन के लिए प्रभु, जीवित कलाम के लिए धन्यवाद देते पिताजी, हमें हिम्मत देता है, ढाढ़स देता है प्रभु, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। अपने दास तुम्हारे बीच में इस्तेमाल किए इसके धन्यवाद देते प्रभु, उन्हें और अपनी शक्ति सामर्थ बल बुद्धि से भरपूर करे और अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करे प्रभु। यहाँ पर उपस्थित तमाम जनों को के पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक जितने वचन को सुना है होने दीजिए प्रभु, आत्मिक जीवन में वो बढ़ते बढ़ते जाए प्रभु, और जड़ पकड़ते जाए और सींचते जाए, स्थिर होते जाए, फलते जाए, फूलते जाए, ताकि तुझे महिमा मिले प्रभु। परमेश्वर पिता धन्यवाद, आपको मेरी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद प्रभु, आपने अपनी उपस्थिति देकर हमें आशीषित किया, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सारी बात महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ आशीष मिलती यीशु के नाम में। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभुग्रह पवित्र आत्मा का सौभाग्य संगति हमारे साथ सब पवित्र लोगों के साथ उपस्थित तमाम भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक होती रहे। आमीन।